दे रहा है तो हम दे देते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार। लगता है कोई खाकर नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। और एक बार देते हैं, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार। अब आया मजा, तो एक लाइक तो बनता है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए अंकल, उंदिर मामा की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो आज मैं आ चुका हूँ मुंबई की खेतवाड़ी एरिया में, और यहाँ पर के मैं आपको सभी गणपति बाप्पा के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना। तो चलिए आज मैं आपको सभी मुख्य दर्शन करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर आने के लिए आपको सीधा आपको गूगल मैप पर टाइप करना है खेतवाड़ी एरिया, तो आपको इजीली यहाँ पर बस भी आपको यहाँ पर छोड़ देगी और टैक्सी भी छोड़ देगी। तो आपको यहाँ पर इजीली आ जाना है और सारे गणपति के मुख्य दर्शन करना है। तो चलिए मैं भी आपको करवाता हूँ और आज के ब्लॉग में बने रहिए। और गाइस खेतवाड़ी में सबसे ज़्यादा तो खेतवाड़ी के गणराज गणपति और महाराजा गणपति जी के दर्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर भाविक आते हैं। तो आज हम वही गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए आए हैं, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भी सेट भी हैं गणपति बाप्पा के। तो मैं आपको सभी एक एक कर कर मैं दिखाऊंगा आपको। गाइज अभी हम जो सेट के पास आए हैं, यहाँ पर है अनंत, मुंबई का अनंत गणपति। तो यहाँ पर हम जाते हैं और देखते हैं गणपति बाप्पा की कैसी मूर्ति है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अभी तो यहाँ पर लाइन भी है और टिकट भी यहाँ पर है, तो देखते हैं कितने का टिकट है। तो पास भी, अंदर जाने का पास भी होता है यहाँ पर, और जनरल लाइन भी होती है। गाइस मुंबई का अनंत गणपति के सेट में अभी आ चुके हैं और यहाँ पर जनरल लाइन है और यहाँ पर पास भी है। आप 50 रुपीज़ का पास लेकर जा सकते हो, इस साइड से आप पास लेकर जा सकते हो। और ये है जनरल लाइन, तो इधर से अभी जाते हैं हम भी। लाइन से जाने का जो मज़ा है वो पास लेकर जाने से नहीं है, तो अभी लाइन से जाते हैं और बापा के दर्शन करते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मंडप के अंदर, तो अभी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ गणपति बाप्पा के। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी यहाँ पर ये गणपति बाप्पा की मूर्ति है, और आप भी देखिए पीछे। और ये थोड़े से मैंने सिनेमेटिक शॉट लिए हैं, तो अभी यहाँ पर सीधी वीडियो बनाने में व्यस्त है, तो अभी हम घोषणा दे देते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर गणपति बाप्पा की मूर्ति है, तो अभी चलते हैं हम दूसरे गणपति बाप्पा के पास देखने के लिए और दर्शन करने के लिए, और आपको भी करवाते हैं। तो चलिए, तो गाइस मुंबई का अनंत गणपति बापा के दर्शन हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर भी एक गणपति बापा का सेट है, तो वहाँ पर भी जाकर देखते हैं और कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। सो गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गणराज गणपति, खेतवाड़ी की 12वीं गली, और यहाँ पर है खेतवाड़ी का गणराज गणपति। तो चलिए हम भी चलते हैं, और जो कतार में लोग यहाँ पर खड़े हैं उसी कतार में हम जाएंगे, पास नहीं लेंगे, क्योंकि पास लेने में
ज़्यादा मज़ा नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दर्शन हो जाते हैं। आप लाइन से जाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको दर्शन लेने में। तो ये देखिए यहाँ पर ये है खेतवाड़ी सा गणराज गणपति का सेट। तो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। और ये है यहाँ से जनरल लाइन है और यहाँ पर आपको पास भी मिल जाता है जो कि आप यहाँ से जा सकते हो अंदर। तो ये रहा यहाँ के लाइन, देखिए यहाँ पर पीछे तक तो अभी बहुत ही ज़्यादा दूर जा रही है। तो फटाफट से हम भी जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। चलिए तो गाइस आधा घंटा धूप में ठहरने के बाद अभी हम बापा के मंडप के अंदर आ चुके हैं। और देखिए अभी भी ये जिगजैग लाइन अभी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे करते हुए हमें आगे जाना है। और थोड़ा सा ये लाइन में रुककर और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है। और देखिए अभी पीछे भी लाइन, बहुत ही ज़्यादा लाइन पीछे है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पास में उतना मज़ा नहीं है जो लाइन में है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। तो गाइस अभी गणपति बापा के मंडप के अंदर अभी एंटर हो रहे हैं और ये है यहाँ का चेक पोस्ट जैसा ही है क्योंकि यहाँ पर रुक रुक के चल रहे हैं लोग यहाँ पर, और जो पास लेकर आ रहे हैं वो फटाफट दर्शन भी करके आ रहे हैं। तो सलाम है ऐसे पोस्ट वालों को, यहाँ पर मस्त कर रहे हैं काम बड़ी ईमानदारी से। तो दर्शन के लिए एक्साइटेड होने के बजाय हम परेशान हो रहे थे यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल भीड़ है और यहाँ पर पीछे देखिए भाविक अभी वहाँ पर वो लाइन रोक दी है, अभी आधा घंटे के बाद आएगी वो। गाइस आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ, गणपति बापा के दर्शन करवाता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसी कुछ यहाँ पर लाइन है और वहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से हम आएंगे। तो अभी मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसा कुछ यहाँ का एरिया है और बापा की मूर्ति वहाँ पर है और ये सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी घूमकर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमें देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से। तो गाइस देखिए यहाँ पर लाइन तो है और यहाँ पर कोई घोषणा नहीं दे रहा है, तो हम दे देते हैं गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार। लगता है कोई खाकर नहीं आया यहाँ पर क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। और एक बार देते हैं गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार। अब आया मजा, तो एक लाइक तो बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए अंकल उंदिर मामा की जय। तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, अभी थोड़ा सा एक्साइटेड हैं लोग क्योंकि अभी लाइन में जो थे बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं थोड़ी देर, और अभी बापा को देखने के बाद अभी थोड़ा सा टेंशन दुख सब दूर हो चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ पर दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर लग चुकी है और ये एक ही लाइन थी, अभी तो यहाँ पर बिखर चुके हैं लोग। और यहाँ पर देखिए अभी तो ज़्यादा तो लोग नहीं है और अभी आपको नाइट में जब शाम होगी तो और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए अभी बापा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम पहले दर्शन ले लेते हैं। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत सी गणपति बापा की मूर्ति है और अभी हम घोषणा देते हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ तो मेरे दो फ्रेंड है, गणपति बापा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार गणपति का जय जयकार। तो अभी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर घोषणा दी है, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये मूर्ति है।
देखिए यहाँ पर, और अभी हम जाते हैं दूसरे गणपति के सेट के और उसके लिए। यहाँ पर एंट्रेंस उधर से है जनरल वाले की, और यहाँ पर पास वाले की एंट्रेंस है, और यहाँ से एग्जिट है, तो बाहर आप जा सकते हो यहाँ से। तो अभी फिलहाल तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गणपति बापा के दर्शन कर लिए हैं और चरण स्पर्श भी कर लिए हैं। तो चलिए, आपको तो यहाँ का गणपति जो है कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। और ये गणराज गणपति के दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अभी आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कौन से गणपति बापा का सेट है, तो वहाँ पर भी जाते हैं और अंदर मैं आपको गणपति बापा की मूर्ति दिखाऊंगा। सो गाइस, अभी हम खेतवाड़ी का गणराज गणपति देखने के बाद अभी हम आए हैं मुंबई का महाराजा गणपति, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाविक भक्त यहाँ पर देखने के लिए आते हैं गणपति बापा को। तो चलिए, आज मैं आपको दर्शन करवाता हूँ और दिखाता हूँ गणपति बापा इस साल कैसी उनकी मूर्ति है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है, जो कि यहाँ से पास और वहाँ से जनरल लाइन, तो हर तरफ आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको ऐसा नज़र आ ही जाएगा। तो ये देखिए लाइन वो है, वो आप होर्डिंग देख रहे हो, बैनर देख रहे हो, वहाँ तक लाइन है। तो चलिए अभी जाते हैं अंदर। गाइस, अभी महाराजा गणपति के पास देखिए, अभी इतनी लाइन है अंदर तो, और देखिए बाहर बहुत ही दूर तक यहाँ पर लाइन है। और अभी थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर लाइन भी है, देखिए दूर तक है। और यहाँ पर है आने का एग्जिट यहाँ से है, और पास वाले उस साइड से जा रहे हैं। तो चलिए अभी मज़ा लीजिए आप भी इस वीडियो का, इस ब्लॉग का। तो गाइस, मुंबई के महाराजा गणपति सेट के अंदर तो आ चुके हैं, अभी मंडप के अंदर जाना है हमें और बापा के बहुत ही अच्छे से दर्शन करने हैं। और देखिए पीछे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी है, और अभी हम सेट के अंदर जाते हैं मंडप के अंदर। वाह, देखिए गाइस खूबसूरती देखिए यहाँ पर मुंबई के महाराजा की। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुंबई का महाराजा गणपति है। तो बापा की करिए यहाँ पर दर्शन, और देखिए खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी भगवान के यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और ये देखिए यहाँ पर, और इस साइड भी आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए बापा की लगभग ये मूर्ति जो होगी 25 या 30 फुट की यहाँ पर ये मूर्ति होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइस, गणपति बापा की तो मूर्ति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं शब्दों में ऐसे आपको बयान नहीं कर सकता कितनी खूबसूरत है। तो अभी घोषणा दे देते हैं, गणपति बापा मंगल मूर्ति, 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। तो गाइस, बहुत ही अच्छे से हमारे गणपति बापा के दर्शन हो चुके हैं। तो मुंबई के महाराजा गणपति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। तो आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।